दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वी आई टीवी फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एक अलग ही सोच के साथ में काम कर रहा है। और कुछ समय पहले हमें फाइनेंशियल एडवाइजर को एम्पावर करने के लिए एक अलग सोच मिली, और वो ये सोच थी कि क्यों नहीं एक इंटरनेशनल एक फाइनेंशियल एडवाइजर को, इंश्योरेंस एडवाइजर को कुएं से निकालकर समंदर में डाला जाए और उसे फाइनेंशियल एडवाइजर से इंटरनेशनल एडवाइजर बना दिया जाए। और इस पर हमने काम करना शुरू किया और कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करने का मन बनाया। एक इंश्योरेंस एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर से इंटरनेशनल एडवाइजर बनने का मन बनाया। आज हमारे साथ में मिस्टर श्रीकांत तापड़िया बेंगलोर से जुड़े हैं, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा और वो इंटरनेशनल एडवाइजर बने। पिछले 6 सालों से वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, हर साल MDRT करते हैं, म्यूचुअल फंड का AUM उनका बहुत बड़ा है, एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में वो काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इंटरनेशनल एडवाइजर बनने के बाद में उनके विचारों में क्या परिवर्तन आया है और अब वो अपने आप को किस लेवल पर देखते हैं। चलिए मिलते हैं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। श्रीकांत जी, आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। जब आपके सामने इंटरनेशनल एडवाइजरी का कॉन्सेप्ट आया तो आपके मन में क्या था, क्या चल रहा था आपके मन में और आपने जो है एक इंटरनेशनल एडवाइजर बनने का मन बनाया? देखिए, जिस दिन मैंने बात सुनी, मतलब जब पता चला VITV की तरफ से कि एक इंटरनेशनल एडवाइजर बनने का एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो उस टाइम में वो एक मोमेंट ऐसा था जैसे बोलते हैं ना, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। और एग्जैक्टली वो मोमेंट मैंने फील किया था उस दिन जब पता चला कि मैं भी इंटरनेशनल एडवाइजर बन सकता हूँ। ओके, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी फेसिंग अ हीट। आई एक्सप्लेन, मेरे कुछ HNI क्लाइंट्स हैं, ओके, जिनका प्रीमियम काफ़ी अच्छा आता है इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में। अब वो होता है कि अब उसके आगे मैं कुछ बढ़ नहीं पा रहा था उनके साथ में, और तभी ये आज वी ऑल नो कि पिछले साल 5 लाख से ज़्यादा आप ऐसे भी प्रीमियम नहीं ले सकते हो साल का, देन द टैक्स कैलकुलेशन चेंजेस सडनली। तो HNI क्लाइंट्स के पास अब जाने का ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे पास कि मैं उनको क्या बताऊँ। और दूसरा, उन जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इंडियन मार्केट में वो ऑलरेडी सब ले चुके हैं। अब दे नीड मोर, उनको कुछ और चाहिए, उनकी कैपेसिटी ऐसी है कि दे डिजर्व डाइवर्सिफिकेशन इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। इट कुड बी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन उनको चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई सिस्टम इंडिया में था नहीं उस टाइम। ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आज तक क्रिटिकल इलनेस प्रोडक्ट बेचा नहीं है मार्केट में, आज तक 6 साल में। कारण बताता हूँ, क्योंकि इंडिया में जो भी क्रिटिकल इलनेस प्रोडक्ट्स है वो सब इतने लिमिटेड है, वो मतलब मैं छाता बेच रहा हूँ जिसमें काफ़ी खड्डे हैं, ठीक है। और मैं ये बात जरूर बोलता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि देखिए, क्रिटिकल इलनेस मैं आपको दे नहीं रहा हूँ बिकॉज मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में वो इतने लिमिटेड है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से करीब 150 के आसपास क्रिटिकल इलनेसेस है, और इंडिया में एवरेज जो है वो करीब 50 क्रिटिकल इलनेस कवर करते हैं। किसी ने ले भी लिया है तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस आदमी को 50 के बाहर कोई अगर क्रिटिकल इलनेस आ गया है तो ही विल नॉट गेट एनी क्लेम, तो देके भी नहीं दिए जैसे है, वाई टू डू दैट। सो मैंने आज तक क्रिटिकल इलनेस बेचा नहीं है, लेकिन जब आपने जब बताया कि ऐसे भी प्रोडक्ट है जहाँ पे लगभग 140 क्रिटिकल इलनेस कवर होते हैं, आई वॉज वेरी हैप्पी। ओके, ठीक है, वो प्रोडक्ट को थोड़ा और अच्छे से समझना है। क्लाइंट्स सर, जब पहली बार बोलता हूँ तो क्लाइंट्स गेट्स सुपर एक्साइटेड, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। ओके, एंड आई एम श्योर जो HNI कम्युनिटी है इंडिया की, दे आर वेरी एस्पायरिंग कम्युनिटी एंड दे डिजर्व गुड प्रोडक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट में अभी वेरी गुड प्रोडक्ट्स तो नहीं है फिलहाल। आई थिंक वी कैन, एज एन इंटरनेशनल एडवाइजर, वी कैन हेल्प आवर क्लाइंट्स। कितना महीना हो गया आपको श्रीकांत जी, आप एज ए इंटरनेशनल एडवाइजर के रूप में आप अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना महीना हो गया? अभी तो जस्ट 1.5 मंथ्स। 1.5 मंथ हो गया। हाँ, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने लोगों के सामने इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना शुरू किया, व्हाट वाज द रिस्पांस? देखिए, क्या होता है, ये सब प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डेफिनेटली ओवरनाइट तो नहीं बिकेंगे। करेक्ट करेक्ट।
लेकिन जो इसका इनटेंजिबल बेनिफिट है, आई थिंक मैनी ऑफ योर व्यूअर्स वुड अग्री, एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप फिर सेपरेट दिखते हो, आप डिफरेंट दिखते हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड जब आप ये सब बातें करते हो अपने क्लाइंट के सामने। तो मुझे लगता है वही अभी फायदा है फिलहाल, अब वो बड़ा फायदा है आपको क्योंकि आपका क्लाइंट आपको बिल्कुल अलग रिस्पेक्ट से देखने लगा है अभी, क्योंकि भाई आप हर चीज की बात कर सकते हो, आप हर चीज प्रोवाइड कर सकते हो उनको। ठीक है आज शायद वो ना दे ओके, लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद वो आपको बुलाएंगे, 100% बुलाएंगे ओके, और रेफरेंस भी आपको उसी टाइप के मिलेंगे फिर। करेक्ट करेक्ट ओके। तो मैं और यही बात मैं सबको अभी बता रहा हूँ, मुझे पता है स्टार्टिंग के 4-5 महीने ये थोड़ा सा अलग फेज है, सबके लिए अलग फेज है, मेरे लिए भी अलग है क्योंकि मैं अपने पुराना एक अगर एक्सपीरियंस याद करूं, 16 साल पहले मैंने 500 रुपए की SIP बेचने के लिए मुझे 20 बार एक क्लाइंट के पास जाना पड़ा क्योंकि न मैं ढंग से समझा पा रहा हूँ क्योंकि इट वॉज न्यू फॉर मी, न वो समझ पा रहे हैं क्योंकि इट वॉज ऑल्सो न्यू फॉर हिम। आज न तो मुझे किसी को SIP समझाना पड़ता है न मतलब यू नो क्लाइंट ऑल्सो नोज बेटर देन मी दीस डेज, लेकिन वो एक जमाना था जब आपको नहीं पता था, आप नहीं समझा पाते थे लोगों को ओके। तो सेम थिंग है डॉलर्स में, सडनली आज तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट रुपीज में किया है, अब एकदम US डॉलर में, हो सकता है कि उनको डाइजेस्ट होने में समय लगेगा, लेकिन ये सेगमेंट जो लोग पैशनेट है इस इंडस्ट्री के लिए, आई थिंक दे ऑल शुड अडॉप्ट दिस मॉडल फॉर देयर बेनिफिट ऑफकोर्स एंड फॉर देयर क्लाइंट बेनिफिट बेसिकली। आपने किसी से बात की श्रीकांत जी, आपके किसी कस्टमर को आपने अप्रोच किया किसी को डॉलर बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में या क्रिटिकल इलनेस के बारे में बात की आपने? हाँ जी बिल्कुल ओके, आई थिंक अभी तक करीब 15-20 लोगों से मेरी बात हो चुकी है, एक दो ने जहाँ पे हाँ बोला था ओके वो दूसरे चैलेंजेस के कारण नहीं हो पाए ओके, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है मतलब यू नो बिकॉज दे कैन नॉट ट्रांसफर मोर देन $50,000 एंड ही वॉज रेडी फॉर $24,000। हमारा एक फंड है S&P 500 इंडेक्स फंड जो इन्वेस्टर ट्रस्ट का है, एज एन इंटरनेशनल एडवाइजर हम वो प्रोडक्ट इंडियन कस्टमर को दे सकते हैं, बट माई क्लाइंट इज इन साउथ कोरिया, ही वॉज रेडी फॉर इट, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर साउथ कोरिया के कुछ कैलकुलेशन के कारण ही कुड नॉट डू दैट। और एक क्लाइंट है जो US में है, ही वॉज रेडी फॉर इट बट बिकॉज ही इज फॉर अ लॉन्ग टर्म वीजा ही इज नॉट एलिजिबल ओके। What I'm trying to say, ठीक है ये technicalities तो obviously we have to serve, okay? These are all part of the laws, okay? मतलब client तो तैयार हो रहा है, अगर अगर रास्ते खुले होते तो ले लिए होते। So I look at this in this angle, कि लोग तैयार है और खासकर वो Indians जो बाहर रह रहे हैं, इंडिया के बाहर जो रह रहे हैं, they understand the model very easily. This is what my observation, sir. I may be wrong, क्योंकि मतलब मैंने जो जो NRIs है बेसिकली उनको तो मैंने करीब 4 लोगों को ये बात बोली है, उनमें 2 तैयार हो गए थे ओके, और 2 ने बोला है कि दे आर थिंकिंग अबाउट इट, सो नोबडी सेड नो टू इट बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ US डॉलर इन्वेस्टमेंट ओके। हाँ लेकिन शायद इंडियन कंज्यूमर को शायद अभी थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि इन्होंने US डॉलर का ध्यान मतलब यू नो जो लोग बाहर हैं उन्होंने डॉलर को छुआ हुआ है तो दे कैन अंडरस्टैंड इट द इम्पोर्टेंस, हमने सिर्फ सुना है हमने छुआ नहीं उसको फील नहीं किया यहाँ पे। क्या लगता है श्रीकांत जी आपका विजन क्या है, अब आप इंटरनेशनल एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं, आपका क्या विजन है, क्या दिखता है आपको कि भाई यहाँ से भविष्य में मैं इस लेवल तक चले जाऊंगा मेरा ये बेनिफिट हो जाएगा, व्हाट इज योर विजन इस काम को लेकर? मैं एक बात बताता हूँ सर ओके, दिस विल डेफिनेटली ओपन मैनी पीपल्स थॉट प्रोसेस। ये मैंने सुना है रिसेंटली, मैं एक ट्रेनिंग में गया था सिंगापुर में, तो वहाँ पे जो ट्रेनर थे उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आज के ज़माने में हर दिन जितने बच्चे पैदा नहीं होते उससे ज़्यादा एक्सपैट्स पैदा हो रहे हैं। एक्सपैट वो लोग हैं जो एक अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाते हैं, हो सकता है कोई चाइना छोड़ के रशिया गया हो, कोई रशिया छोड़ के यूरोप गया हो, कोई यूरोप छोड़ के अमेरिका गया हो ओके। एक दिन में जितने बच्चे पैदा नहीं होते उससे ज़्यादा एक्सपैट्स पैदा हो रहे हैं ओके। मतलब और ये हम देख रहे हैं, एक जमाना था 10 साल पहले 15 साल पहले गांव का कोई एक आदमी फॉरेन जाता था, 5 साल पहले देख रहे हैं तो कोई परिवार का निकला ओके, अब तो हर घर की कहानी लगभग आ गई है ठीक है। सो ये बहुत कॉमन होने वाला है ठीक है, जो इन ग्लोब इज अ सिंगल वर्ल्ड बेसिकली, मतलब यू नो ये एक देश है पूरी जो दुनिया है
तो यहाँ पे लोगों का एक देश से दूसरे दूसरे देश में जाना बहुत आसान हो जाएगा, हो चुका है, आगे जाते जाते और आसान होगा। सो और यूएस डॉलर जो है वो डेफिनेटली बिग करेंसी, पूरी दुनिया लगभग उसी करेंसी पे कैलकुलेशन करती है। ओके तो ऑब्वियसली इसका फ्यूचर तो बहुत बड़ा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और हम सबको एंड वी आर एट द राइट टाइम, शायद थोड़ा जल्दी शुरू कर चुके हैं, विच इज द राइट थिंग, ताकि छोटी मोटी गलतियां इधर ही हो जाए। ओके बट गोइंग फॉरवर्ड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग स्पेस फॉर ऑल द फाइनेंशियल प्लानर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज समझ में आती है श्रीकांत जी, के कुछ बड़ा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा विजन क्लियर है क्या, मेरी क्लियरिटी कितनी है टुवर्ड्स द, ये जो मेरा रास्ता मैंने मेरे गोल तक का है उसमें क्लियरिटी कितनी है, वो मुझे नजर आई आपकी बातों में कि कितने क्लियर है आपके, कितना यू नो आपने जो एग्जाम्पल दिया कि एक्सपैट जो है वो बच्चों से ज्यादा बढ़ रहे हैं, ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो नो ये एक बात बताती है कि कितना बड़ा स्कोप है एक इंटरनेशनल एडवाइजर के रूप में काम करने का भविष्य के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रीकांत जी, आपसे ये जो मेरी बातें रही बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा यू नो क्लियरिटी यू नो इस काम के प्रति हमें भी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV का धन्यवाद सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हमको, यू नो आपने सही बात बोली कि कुएं के मेंढक से भी थोड़ा बड़ा समुद्र देखने का मौका दिया। ओके तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।